हाय, मैं हूं IGD, एक इंडी गेम डेवलपर, और ये है वो वीडियो जिसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं कि अब से मेरे चैनल पे एवरी संडे एक वीडियो जरूर आएगी। बीच में कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज आ सकती हैं, बट संडे को जरूर आएगी, तो संडे के लिए रेडी रहना। और अगर आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी हम यूनिटी में जाते हैं और अपना बर्ड गेम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ये बर्ड वाला गेम है क्योंकि बर्ड के इस एनिमेशन फोल्डर को हम बर्ड ही नाम दे रहे हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए 10 मिनट चैलेंज है और कोई नाम सूझा नहीं मेरे को। इसका एनिमेशन को थोड़ा सेटअप करते हैं, थोड़ा सा स्लो हो ये इसलिए हम इसको स्केल करेंगे थोड़ा सा और। नाइस। अभी इस पे थोड़े से हमें गेम ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं जिससे ये ऑब्जेक्ट एक गेम ऑब्जेक्ट बन जाए, जैसे कि बॉक्स कोलाइडर, ताकि चीज़ों से कोलाइड कर पाए, टकरा पाए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं बिकॉज फॉर सम रीज़न ये फिट नहीं बैठा है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इतना काफ़ी रहेगा आई गेस। नाइस। इस पे अभी हम लगा देते हैं एक स्क्रिप्ट फ्लाई नाम से, बिकॉज हमें इसको फ्लाई करवाना है, यू नो, उड़ेगी, यू नो। या विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है, ओपन होने में काफ़ी टाइम लेता है, लगभग 9 मिनट के आसपास बचे हैं। 8 मिनट 50 सेकेंड्स, कमॉन। यस, विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। मैं इसमें दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, एक होगा जो नंबर को स्टोर करेगा जो कि होगा मेरा फोर्स वेरिएबल, उससे मैं डिफाइन करूंगा कि मेरी बर्ड किस फोर्स के साथ ऊपर खुद को लिफ्ट करेगी, और दूसरा होगा रिजिड बॉडी जो बस एक रेफरेंस के लिए होगा ताकि मेरी स्क्रिप्ट समझ पाए कि मैं किस चीज़ को लेके अपनी फोर्स लगा रहा हूँ, जो कि होगी रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी 2D। यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि जब भी मैं इनपुट दूँ अपने कीबोर्ड से, इनपुट में मैं बटन चूज करूँगा स्पेस, जब भी मैं स्पेस दबाऊँ तो मैं एक फोर्स ऐड करूँ अपनी बर्ड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RB जो कि रिजिड बॉडी के लिए स्टैंड किया हुआ है, मैंने नाम खुद ही देते हैं इसमें हर वेरिएबल का, और वेक्टर 2.up क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है, मेरी चिड़िया ऊपर उड़ेगी। मैं इसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितनी फोर्स से उड़ेगी, और फिर time.delta time से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड ना हो, ये टाइम के ऊपर डिपेंड हो। और मैंने यहाँ पे टाइम एक और बार एक्स्ट्रा क्यों लिखा है मेरे को नहीं पता, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हमें लिखना फोर्स मोड 2D.impulse। इम्पल्स इसलिए क्योंकि फोर्स दो होते हैं, एक तो होता है फोर्स मोड 2D.impulse, एक होता है फोर्स मोड 2D.force। फोर्स होता है वो कांस्टेंट फोर्स लगाता है, इम्पल्स होता है वो बस लॉन्च कर देता है। यहाँ पे मैं ऑन कोलिजन एंटर 2D लिखूंगा। हर चीज के लिए 2D लिखना है क्योंकि ये एक 2D गेम है। collision.collider, और मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में यही चेक करूँ कि इफ हमारा गेम ऑब्जेक्ट किसी ऐसी चीज़ से कोलाइड करे जो पाइप हो, यानी पाइप से जब भी कोलाइड करे तो हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को सिंपली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रॉय और फिर गेम ऑब्जेक्ट। ये हर चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, प्रोग्रामिंग ऐसी होती है गेम डेवलपमेंट में। इसके बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी टेंशन में भी मैंने सब्सक्राइब का भूल ही दिया। फिर अभी यूनिटी इतना टाइम खा रहा है मेरा, कौन क्विक। अभी मेरे को इस पर एक रिजिड बॉडी लगानी है जिसका हमें रेफरेंस देना, और यहाँ पे फोर्स लगाना है 30 के। अभी हम पाइप्स के साथ शुरू हो जाते हैं। ये वही पाइप्स हैं जो हमारे ऑब्स्टिकल बनेंगे, इनको हमें, इनको भी कोलाइडर देना है ताकि हम डिफाइन कर पाए कि हमारी बर्ड एक्चुअली में कोलाइड हुई है, वरना फिर कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा। कोलिजन का मतलब डायरेक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट्स का टकरा जाना। अभी मैं इस पाइप पे गो लेफ्ट वाली स्क्रिप्ट बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि ये जो पाइप्स हैं मेरे, ये लेफ्ट की तरफ मूव करें एक स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से वीडियो गेम्स में ऑब्स्टिकल्स आते हैं उस तरह से हो। और मैं इसमें इसकी ट्रांसफॉर्म और पोजिशन लिख रहा हूँ, मैं इसमें ऐड फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि फोर्स में क्या होता है, चीज़ों पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट करती हैं, लाइक पहले उनकी रफ्तार धीमी होगी फिर धीरे 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 तेज़ होगी, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो वो एक ही स्पीड से जाएगा। मैंने इसकी एक्स वैल्यू पे
माइनस फाइव लगाया, माइनस फाइव मतलब लेफ्ट साइड में और प्लस फाइव मतलब राइट साइड में, तो मेरे को इसको लेफ्ट भेजना है तो ये लेफ्ट जाएगा। फाइव को लेफ्ट भेजने से क्या होगा, ये इल्यूजन आएगा कि हमारी बर्ड राइट में उड़ी, जबकि ऐसा होगा नहीं, उल्टा होगा। तो अभी मैं इसको रोटेट करूँगा। मैंने गो लेफ्ट वाली स्क्रिप्ट इसलिए हटा दी क्योंकि वो इसके लिए नहीं है, वो इन दोनों के लिए है, सिर्फ एक पाइप के लिए है। तो मैं इन दोनों को एक चीज़ में डालूंगा, उसको मैं फिलहाल नाम वन दे दे रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास नाम सोचने का टाइम नहीं है। और इस पर मैं अपनी गो लेफ्ट वाली स्क्रिप्ट लगा सकता हूँ, ये मैंने गो लेफ्ट लगा दी। अब मैं इसका एक प्रीफैब बना लूँगा, तो पहले मैं इन पाइप्स को टैग दे दूँ और फिर हम फटाफट से इसका प्रीफैब बनाएंगे। दो तीन प्रीफैब्स बनाने होंगे इसके कम से कम। तो मैंने एक बना दिया, दूसरे का नाम देंगे टू। पाइप्स को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा ऊपर कर देंगे। अब इसका भी एक प्रीफैब बना लेंगे, ओरिजिनल प्रीफैब। अब इसको नाम दे देंगे थ्री और फिर वापस से पाइप को सिलेक्ट करके हल्का सा ऊपर कर देंगे, ताकि ये इफेक्ट आए कि अलग अलग पाइप्स आ रहे हैं, ये नहीं कि एक ही पाइप आएगा। और ऐसा होगा तो गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बिकॉज हम लोग एक ही जगह पर फिर टैप टैप करते रहेंगे। मैंने मेन गेम ऑब्जेक्ट को सीन से डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास उसका प्री फैब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्री फैब्स बोलते हैं, वो है। अभी मैं एक बना रहा हूँ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट में, एक स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ स्पॉन की, ये मेरा स्पॉनर है। सो ये इससे बेसिकली मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन करूंगा। ऑब्जेक्ट्स मतलब वही पाइप्स। तो यहाँ पर पहले मेरे को पाइप्स का रेफरेंस चाहिए, मैं एक एरे में डालूंगा। एरे बेसिकली वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की लिस्ट रखता है, ना कि एक वेरिएबल। और मेरे पास क्योंकि तीन तीन हैं पाइप्स के प्रीफैब, जो अभी मैंने बाहर बनाए थे 1 2 3 करके, तो मेरे को उनकी एक लिस्ट चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे एरे बनाया है। एरे के लिए बस हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। और अभी मैं फ्लोट बना रहा हूँ। फ्लोट बेसिकली जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा है कि नंबर्स को स्टोर करता है। मैंने डी और आर नाम दे दिया, मेरे को नहीं पता आर रीसेट के लिए है, डी मेरे को नहीं पता किस लिए है। सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि डी अगर 0 या 0 से कम होगा तो मैं डी को रीसेट कर दूंगा, आर कर दूंगा, डी इज इक्वल टू आर। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं डी को माइनस करूंगा ताकि वो 0 हो। तो नहीं होगा तो हमें इसको 0 तक लाना है धीरे धीरे करके। टाइम टू डेल्टा टाइम से मैं इसको माइनस करूंगा, क्योंकि यू नो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। 1 सेकंड बीते फिर 2 सेकंड बीते, इसमें मैं बस ये डिफाइन कर रहा हूँ कि हर 2 सेकंड में मेरा ऑब्स्टिकल स्पॉन हो। तो 2 सेकंड बीतेंगे ऑब्स्टिकल चला जाएगा, फिर 2 सेकंड बीतेंगे एक और स्पॉन होगा वो चला जाएगा, इस तरह से। मैंने ये इंट आई करके रैंडम डॉट रेंज करके लिखा है, ताकि हम हर बार रैंडमली स्पॉन करें। प्रोसीजरली जनरेट करना चीज़ें थोड़े से हार्ड हो जाती है और ये मेरे लिए थोड़ा सा टाइम खाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ। इंस्टेंशिएट का बेसिक मीनिंग होता है कि स्पॉन करना, मैं पाइप्स स्पॉन कर रहा हूँ, पाइप्स में जो आई है आई रैंडम है। और मैं यहाँ पे इन फ्लोट्स को दो दो नंबर दे दे रहा हूँ। दो दो नंबर देने का बेसिकली मतलब है कि हर 2 सेकंड में मेरे ऑब्स्टिकल स्पॉन होंगे। अब मैं इन तीनों को एरे की लिस्ट में डाल दूंगा, मैंने ऊपर इंस्पेक्टर लॉक किया था इसका। और अभी हम गेम को प्ले करते हैं। ओके, बर्ड पे सही फोर्स लग रहा है, ऑब्स्टिकल भी स्पॉन हो रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम है कि हमारी बर्ड बहुत बड़ी है, और दूसरी प्रॉब्लम है ऑब्स्टिकल सीन के बीच में स्पॉन हो रहा है, जो कि अजीब लगता है देखने में। सो पहले तो हम बर्ड को स्मॉल कर लेते हैं, और ये जो अपना स्पॉनर है इसको सीन के बाहर ले जाते हैं। और आई गेस हम डन हैं। रुको रुको रुको, पहले मेरे को इसको रोकना है। अरे हो जा, मैक्सिमाइज ऑन प्लेन एंड देयर वी हैव इट। हमारे पास एक फ्लैपी बर्ड जैसा गेम है, एक बर्ड है जिसपे एनिमेशन लगा है, पाइप्स रैंडमली स्पॉन हो रहे हैं, हम बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और हम मर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक बार इस चैनल पर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।